मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी की विधायक एवं सरकार की मुख्य सचेतक अगाथा संगमा ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी सीट राज्य के मुख्यमंत्री एवं अपने भाई कोनराड संगमा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए खाली की है। संगमा अगाथा के बड़े भाई हैं और उन्होंने विधानसभा के गैर निर्वाचित सदस्य के तौर पर 6 मार्च को एनपीपी नीत गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। संवैधानिक व्यवस्था के तहत संगमा को मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी है, जो 6 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस तरह से उन्हें 5 सितंबर से पहले निर्वाचित होना चाहिए। अगाथा ने कहा, दक्षिण तुरा विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री के विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए मैंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र और पूरे राज्य की जनता के हित में मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अगाथा एनपीपी के टिकट पर दक्षिण तुरा विधानसभा सीट से फरवरी 2018 में हुए 10वें विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुई थी। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता बी के संगमा को 1603 मतों से पराजित किया था।